वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय सियाराम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब कुशल से हों। फर्स्ट टाइम आप भी सोच रहे होंगे कि ये रामचरितमानस में मैं कहाँ से आ गई। तो अब तक आप मेरी आवाज़ सुन रहे थे तो सोचा कि अंतिम चरण चल रहा है कथा का, तो वो जाकर आपसे मिल लिया जाए। उम्मीद है कि आपको ये कथा बहुत अच्छी लग रही होगी। बहुत सारी त्रुटियाँ भी होंगी इस कथा में, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बोला है कि मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, आपकी तरह ही एक ग्रस्त हूँ। कभी वीडियो में नहीं आती हूँ, बहुत कम आती हूँ, क्योंकि आप लोग शायद मुझे देखना पसंद कम करती हैं। यदि आप लोग देखना चाहती हैं कि मैं वीडियोज़ लेकर आऊँ, छोटे मोटे ब्लॉग्स भक्ति सागर पर धार्मिक से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आऊँ, आपसे रूबरू हूँ, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं कोशिश करूँगी कि हर वीडियो में मैं आपसे मिलूँ। तो आज मेरे हिसाब से ये अंतिम चरण, अंतिम वीडियो श्री रामचरितमानस आज संपूर्ण हो ही जाएगा। राम जी की कृपा से बहुत समय लिया हमने, क्योंकि एक एक शब्द सुनाया है। और आगे यदि आप कोई भी और ग्रंथ सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि उस ग्रंथ की भी कथा आप तक लेकर आओ हूबहू, जैसे कि मैं शिव महापुराण की कथा आपके लिए लेकर आई थी। एक शब्द वही था जो उसमें लिखा हुआ था, उसके बाद अब ये रामचरितमानस भी सेम एक एक शब्द वही है जो कि उसमें लिखा हुआ है। और आगे भी हम आपके लिए ऐसी और बहुत सारी कथाएं लेकर आएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण ठाकुर जी की कृपा हुई तो जरूर आप तक जल्द ही पहुँचने वाला है। तो बने रहिएगा कथा में, चलते हैं कथा की ओर, आइए चलते। राम जी सबका मंगल करें, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय सियाराम। जोग गिनी करी प्रगट तब करम सुभा शुभ लाए, रामा करम सुभा शुभ लाए। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल चरी जाए। सयावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। तब वीर ज्ञान रूप निबुद्धि विशद ग्रत पाए, रामा बुद्धि विशद ग्रत पाए। चेत दया भर धरे दृढ़ समता दियट बनाए। सयावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब योगी रूप अग्नि प्रकट करके उसमें सप्त शुभ शुभ कम रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब विराग रूपी मक्खन का ममता रूपी जल मल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करें। तब ज्ञान रूपनी बुद्धि निर्मल घी को पाकर उसे चित्र रूपी दिए को भरकर समता के दीपट बनाकर उसे दृढ़ता पूर्वक रखे। तीन अवस्था तीन गुण तेही कपास ते काड, तूल तुरे संवारी पुनी बाती करे सुगाड़। सयावर राम जय जय राम। जागृत स्वप्न और सुषुम्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण कपास की तुरिया वस्ता रूपी रुई को निकाल कर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बाती बनावे। ए विधि लैसे दीप तेज राशि विज्ञान में जाति जासो समी, जरिमा दादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके स्वीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाए। सोमसी में तिवृत्त अखंडा दीप सिखा सोहे पर में प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रासा तब भव मूल भेद भ्रमनासा। प्रबल अविद्या करे परिवारा मोहादि तम मिटे अपारा।
तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर ग्रह बैठी ग्रंथ निरुआरा। स्वहम जिसम वे ब्रह्म मैं हूँ, जो ये अखंड तेल धारा व्रत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक दीप शिखा है। जब आत्मानुभव को सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद से भ्रम का नाश हो जाता है, और प्रबल अविद्या कर परिवार और बलवती विद्या के प्रवार मोह आदि का तब मिटई अपारा, अपार अंधकार मिट जाता है। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, तब वही बुद्धि प्रकाश पाकर और ग्रह बैठी ग्रंथ निर्वारा, और हृदय रूपी घर में बैठकर जड़ चेतन को गांठ को खोलती है। चूरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। चोरथ ग्रंथि जाने खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। यदि उस गांठ को खोलने पावे तब जीव कृतार्थ हो, परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिधि सिद्धि प्रेरी बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई। कलिबल छल करि जाहि समीपा, अंचल बात बुझावे ही दीपा। हे भाई, वे बहुत सी रिद्धि सिद्धि को भेजती हैं, जो आकर बुद्धि के लोग दिखाती हैं, और वे रिद्धि सिद्धियां कल बल और छल करके इसमें बजाती हैं, और आंचल की आयु वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होई बुद्धि जो परम से आनी, तीन नरचित वन जन हित ज्ञानी। ज्योति ही विघन बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोर सुर करी उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सियानी हुई तो वह उन अधिहित कर समझ कर उनकी ओर आक्षेप नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा ना हुई तो फिर देवता उपाधि करते हैं। इंद्री द्वार झरो खाना, तह तह सूर्य बैठे कर ध्याना। आवत देखी विषे बियारी, ते उठी दे ही कपट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं, वहाँ वहाँ देवता थाना किए बैठे हैं। जो ही विषय रूपी हवा को आते देखा है, त्यों ही अटपुरों का किवाड़ खोल देते हैं। जब सो ब्रह्मजन उर ग्रह जाए, तभी दीप वेह ज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकले भई विषय बतासा। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, तू ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह प्रकाश में मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई और सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्र ही सुर नहीं न ज्ञान सहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, देह विद दीपक भार बोरी। इंद्रियों उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि उनके विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि पावे सुसरति कलेस, हरि मायाति दुस्तरी तरी न जाहे विहिगेस। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज में ही तरी नहीं जा सकती। कहते कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होए गुना छर न्याय जो पुनि प्रति हूँ अनेक। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुना अक्षर न्याय से कदाचित है ज्ञान हो भी पाए तो फिर उसे अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेज होए नहीं वारा। जो निर्विघ्न पंथ निब होई, सो केवल परम पद नहीं। ज्ञान के मार्ग कृपान के को धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही केवल रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ केवल परम पद, संत पुराण निगम आगम पद।
राम भजत सोई मुक्त गोसाई अनैच्छित आवे बरियाई। संत पुराण वेद और शास्त्र यह कहते हैं कि केवल रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही मुक्ति श्री राम को बजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोट भांति को करें उपाय, तथा मोच सुख सुनो खगराई, रही न सके हरि भक्त बहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों ना करे, वैसे ही हे पक्षीराय सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारे हरि भक्त से आने, मुक्ति निरादर भक्त लुभाने, भक्ति करते बिनु जतन प्रयासा, ससृत मूल अविध्यानासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से ससृति की जड़ विद्या बना ही यत्न और परिश्रम के पैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करी अति प्रतिपत्ति लागी, जिमि सो असन पचावे जठरागी, असि हरि भक्त सुगम सुखदाई, हो अस मूढ़ न जाहि सोहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, उस भोजन को जठराग्नि अपने आप हमारा हरि चेष्टा के प्रचार डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुहावे ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेवे भाव बिनु भवन तरे और गार, रामा भवन तरे और गार, भजो राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार से आवर। राम जय जय राम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेवे हैं, इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर राम जी चरण कमल की भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करी, जड़ी करी चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कही, भजी जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ रघुनाथ जी को जो जी भजते हैं वे धन्य हैं। कहियों ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगत मन के प्रभुताई, राम भक्ति चिंता मनि सुंदर, बसी गरुड़े जाके उरे अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है, हे गरुड़ जी, या जिसके हृदय के अंदर बसती है, वह दिन रात परम प्रकाश रूप रहता है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहे दिया घृत बाती, मोदरे दर निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वामी प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि लोभ रूपी हवा उस मणि रूपी दीप को बुझा नहीं सकती और वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल विद्या तम मिट जाई, हारे सकल सलभ समुदाय, खल का माद निकट नहीं जाए, बसे भगत जाके उर माही। अविद्या प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है, जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध लोभ आदि दुष्ट उसके पास भी नहीं जाते। गरुड़ सुधा सब अरिहित होई, तेहि मन बिनु सुख पाव न कोई, व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विषवृत्त के समान और शत्रु मित्र हो जाता है, उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोगी जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको कोई नहीं व्यापते। राम भक्ति मनि उर बस जाके, दुख लवले सना सपने होता के, चतुर सिरो मनि तेहि जग माही, जे मुनि लागि सुजतन कराही। राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में विदेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे मनुष्य जत्रों की श्रावणी है, उस भक्ति रूपी मणि के लिए भलीभांति यत्न करते हैं। सो मणि जद भी प्रगट जग ही, राम कृपा बिनु नहीं को ले ही, सुगमो पाए पई वे केरे, नरहत भाग्य दे भट भेरे। जद भी वे मणि जगत में प्रकट है, पर बिना श्री राम की कृपा से उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने को पाए भी सुगम ही है, पर भाग्य मनुष्य ने ठुकरा देते हैं।
पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिरा करना नाम अरमे सज्जन सुमित कुदारी ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत श्री राम के नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं, संत पुरुष मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि कुदाल है। हे गरुड़ जी ज्ञान विराग ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजे जो प्राणी पाव भक्ति मन सब सुख खानी मोरे मन प्रभु से विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों के खान उस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि राम जी के दास राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा सब कर फल हरि भक्त सुहाई सो बिनु संत न काहू पाई। श्री राम जी समुद्र है तो धीर संत पुरुष मेघ है, श्री हरिचंदन के वृक्ष तो संत पवन है, सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचार जोई कर सतसंगा राम भक्त तई सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो कोई भी संतों का संग करता है गरुड़ जी उसके लिए श्री राम जी भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पियो निधि मंत्र ज्ञान संत सुरियाही रामा ज्ञान संत सुरियाही कथा सुधा मिथि काढ़ी भक्ति मधुरता जाई सियावर राम जय जय राम। बीरति चरम ऐसे ज्ञानी मदे लोभ मोहरि पुमार जय पाई सो हरि भगत देखो खगेश विचार सियावर राम जय जय राम। ब्रह्म समुद्र है ज्ञान मंत्राचल है और संत देवता है जो समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं जिसमें भीत रूपी बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी मैरियों को मार को जो विजय प्राप्त करती है वे हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज इसे विचार कर देखिए। पुनि सब प्रेम बोल्यो खगरायूं जो कृपाल मोहूं परिभाऊं नाथ मोहे निज सेवक जानी सप्त प्रसन्न मम कहो बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले कि हे कृपालु यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ मुझे अपना सेवक जानकर मेरे साथ प्रश्नों के उत्तर बखान के ये प्रथमे कहूँ नाथ मति धीरा सप्ते दुर्लभ कवन शरीरा बड़ दुख कवन कवन सुख भारी सो छपे कहूँ विचारी। हे नाथ हे दूर बुद्धि पहले ही ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानो तीन कर सहज स्वभाव बखानो कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला कहो कवन विधि परम कृपाला। संत और संत का परम आप जानते हैं उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए फिर कहिए कि श्रुतियों की प्रसिद्धि सबसे महान पुण्य कौन सा है सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहो समझाई तुम सारे भाग्य कृपा अधिकाई तात सुनो सादर अति प्रीति मैं संक्षेप कहो यह नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी ने कहा तात अत्यंत आदर प्रेम के साथ सुनिए मैं इनके संक्षेप में कहता हूँ। नर्तन सम नहीं कवने देही जीव चराचर जाचत देही नरक स्वर्ग अपवर्गन सेनी ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं चर चर सभी जीव उसकी याचना करते हैं यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान विराग भक्ति को देने वाला है। सोतनु धरि हरि भजे न जे नर हो विशेरत मंद मंद तर कांच किरच बदले तेले करते डार परस मनि देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विश्व में अनुसरण रहते हैं वे पास मणि हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दृद्र सम दुख जग नवाही संत मिलन सम सुख जग नाही पर उपकार वचन मन काया संत असहज सुभाय खगराया। जगत में दृढ़ता के समान दुख नहीं है संत और संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं। और हे पक्षीराज इन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सही दुख पर हित लागी पर दुख हे तो संत भागी।
भुर्ज तरु सम संत कृपाला हरित नित ही से विपद विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और भाग्य संत दुख दूसरों का दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं। सन सेव खल बंधन करी खाल कड़ाई विपत सही मरी खल बिन स्वार्थ पर पकारी अहि मोषक इव सुनो और गारी। किंतु दुष्ट लोग सब की भांति दूसरों को भांते हैं और अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति से आकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान कारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाश न साई जिमे से हित हे मई उपल विलाई दुष्ट उदय जग आरती हेतु जता प्रसिद्ध अदम ग्रह केतु। विप्राई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जिसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्टों का अभ्युदय प्रसिद्ध दम ग्रह केतु के उदय के भांति जगत के दुखों के लिए ही होता है। संत उदय संतंत सुखकारी विषम सुखद जिमि हिंदु तुम्हारी परम धर्म श्रुति विदित अहंसा पर निंदा सम अग्नगर हिंसा। और संतों का अब सदा ही सुख कर होता है, जैसे चंद्रमा सूर्य के उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में 300 में परम धर्म माना है और परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुल होई जन्म सहस्र पावतन सोई दिज निंदक बहु नरक भोग करी जग जन्म बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य मेढक होता है और वह हजार जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कोई का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी रोरव नरक परीते प्राणी हो ही लोक संत निंदारत मोहनिसा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेद को निंदा करते हैं वो रोर नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया रहता है। सब कह निंदा जे जड़ करी तेज मगा दुर हो अवतरी सुनो तांत अपमानस रोगा जिनते दुख पावे सब लोगा जिनते दुख पावे सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं चमगादड़ के कर होकर जन्म लेते हैं। हे तातव मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन करे मूला तिन ते पुण्य उपजे बहुसूला काम बात का फलोभ पारा क्रोध पित नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह है उन व्याधियों से फिर रोग से वज्र उत्पन्न होते हैं। काम बात है लोभ बार कफ है और क्रोध पीते हैं जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीत करें जो तिने भाई उपजे सने बात दुखदाई विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सूल नाम को जाना। यदि कोई ये तीनों भाई प्रीति कर ले तो दुखदायक सनी पात्र उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त होने वाला जो विषय का मनोरथ है वह सब शूल है उनके नाम कौन जानता है। ममता दादू कंडिर शाही हर्ष विषाद करे बहुताई पर सुख देख हरे सही चयी कुष्ठ दुष्टता मन कुटले। ममता दाद है खुजली है हर्ष विषाद गली के रोगों की दिखता है। कंठ माला या गेदा आदि रोग है प्राय सुख को देकर दुर्ण होती है वही शही है दुष्ट और मन की कुटिलता ही कोड है। अहंकार अति दुखद डमरुआ दम्ब कपट मद मान ने रुआ तुरण उधर बुद्धि अति भारी त्रिविद ईश ना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू रोग है दम्ब कपट मद मान ने रुआ रोग है कृष्णा बड़ भारी उधर बुद्धि रोग है। तीन प्रकार की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी है। जुग विधि जोर मत्सर विवेका कह लगी कहो कुराग अनेका मत्सर और विवेक दो प्रकार के जोर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ एक व्याधि बस नर मही ए साधि बहु व्याध पी नहीं संतत जीव कहूँ सो कि मिले हैं समाद। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं फिर ये तो बहुत से साध्य रोग हैं जो जीवों की निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दिशा में वह समाधि को कैसे प्राप्त करें। नेम धर्म आचार तप ज्ञान जगे जप दान भेषज पुण्य कोटन नहीं रोग नहीं हर जान। नियम धर्म आचार तप ज्ञान जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। ए विधि सकल जीव जग रोगी शोक हर्ष भय प्रीत वियोगी मानस रोग कछुक में गाए हैं सबके लिख न बिरले उपाय।
इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग से दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये तो सबके परंतु उन्हें जान पाए हैं कोई विरले ही हैं। जाने ते चीजें कुछ पापी, नास न पावे जन परितापी, विषय को पत पाए अंकुर, मुनि हृदय कह नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी जान लिए जाने से कुछ क्षीण वश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप को पथ्य पाकर ये मुनियों को हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तो बेचारे सुधारण मनुष्य तो क्या चीज है। राम कृपा नाशे सब रोगा, जो ही भात बने संयोगा, सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम ये न विषय के आसा। यदि राम कृपा से इस प्रकार संयोग बन जाए तो सब रोग नष्ट हो जाए। और सदगुरु भी वेद के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करें, यही संयम होगा। रघुपति भक्त सजीवनी मूरी, अनुपान शरदा मति पूरी, ए विधि भले ही सुरोग न साही, नाही न जतन कोटि नहीं चाही। रघुनाथ जी भक्ति संजीवनी जड़ी है, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि, अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु है। इस प्रकार संयोग हो तो वह रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जाने तब मन विरज गसाई, जय उर्वर विरागे अधिकाई, सुमति शुदा बाढ़ नितनी, विषयास दुर्बलता गई। हे गुसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में विरागे बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भोग नित नित बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रे राम भक्ति उर छाई। शिव ज सुख सने कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद। जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूप जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। शिव की, ब्रह्मा की, सुखदेव की, सनकादि नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि है, सब कर मत गायक एहा, करे राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण तब ग्रंथ कहाई, रघुपति भक्त बिना सुख नाही। हे पक्षीराज जी, उन सब का मत यही है कि राम के चरण कमलों का प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण सभी ग्रंथ कहते हैं कि रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं। कमट पीठ जामी बरुबारा, बंदे असुते बरु काहू ही महारा, फूल नब बरु बहु विधि फूला, जीवन नह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बालक जाए, भांज के पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल की लुटे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। त्रिषा जाई बरु मृग जल पारा, बरु जामे सस शीस विषाना, अंधकार बरि रावे निसावे, राम विमुख ना जीव सुख पावे। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सिंह निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु मेरे राम से विमुख होकर जीव कभी सुखी नहीं पा सकता। कलयुग केवल नाम धारा, ये बोला गया है कि सिर्फ राम नाम का ही जाप करना चाहिए। हिमते अन्न प्रगट बर होई, विमुख राम सुख पावे ना कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, अरे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बारे मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत पेल। जल के मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र नहीं चला जा सकता, ये सिद्धांत अटल है। मस कहीं करे विरंच प्रभु, अजय मसकते हीन, अस विचार तज संसही, राम भजे प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्म कर सकते हैं और ब्रह्म को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं, ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। विनिश्चितम वदामि तेन अन्यथा वचांसि मे, हरिं नरा भजिन्त यतिन्दुस्त्रं तरिन्तते। मैं आपसे बलिबाद निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अनथ्य नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि भजन करते हैं, वह दुस्तूर संसार सागर को पार कर जाते हैं। कहूँ नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास स्वमित अनुरूपा, श्रुति सिद्धांत
कहे और गारी राम बजे सब काज विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि के गुण चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कही, विस्तार से कही, संक्षेप से कही। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों कही यही सिद्धांत है कि सब काम भुला कर राम का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तज से ही काही, मोहि सो सठ पर ममता जाही। तुम भी ज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ की मो पर अति छोहा। पूछे हो राम कथा ति पावनी, सुख सुन कादि शंभु मने भावनी। संत संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए क्यों बारा। प्रभु राम को छोड़कर किसी का सेवन किया जाए जिनका मुझ पर जैसे मूर्ख पर स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की, ऐसा गरुड़ जी से बोल रहे हैं। सुन लीजिए, जो आपने मुझसे सुखदेव जी सनकादि शिव जी का मन को प्रिय लगने वाले थे पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखूं गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। सकुनाधम अब सब भांति अपावन, प्रभु मोहे की न विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, आपने हृदय में विचार कर देखिए क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ। पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से पवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन रामा, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जाने राम मोहे, संत समागम दीन से आवर राम। जय जय राम। नाथ जथामति भाषियो, राखियो नहीं कछु गोए रामा, राखियो नहीं कछु गोए। चरित सिंधु रघुनायक, था की पावे को से आवे राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम। यद्यपि मैं सब प्रकार से नीची हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, जो श्री राम ने मुझे अपना निज निज जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। गरुड़ जी, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा, फिर भी रघुवर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है भला। सुमिरि राम के गुने गने नाना, पुनि पुनि हृष भूषण सुजाना। महिमा निगम ने ते कर गाए, अतुलित बल पर ताप प्रभु ताए। राम जी के बहुत से गुण सुमों का स्मरण कर करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रही हैं। उनकी महिमा वेदों ने नीति नीति कहकर गाई है। उनका बल प्रताप और बहुत बहुतुल्य है। शिव गज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम अमृत लाई। अस स्वभाव कहु सुने न देख्यूं, केहि खगेश रघुपति सम देख्यूं। जिन रघुपति के चरणों में शिव और ब्रह्मा द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसकी सेवा स्वभाव कहीं ना सुनता हूँ ना देखता हूँ। अतः पक्षीराज गरुड़ जी, मैं रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं। साधक से दवे मुक्त उदासी, कवि को विद कृत गए सन्यासी। जोगी सुर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरंतर पंडित वैज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन, कभी विद्वान कर्म के ज्ञाता सन्यासी। योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी, धर्म परायण पंडित और विज्ञानी। तरेन अभिनु से मम स्वामी, राम नमामि राम नमामि। शरण गए मोसी गगरासी, होए सुद नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी राम जी के सेवन के बिना नहीं कर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनके शरण जामे मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी का मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज, हरि ने घोर त्रैसूल। सो कृपाल मोहितो पर,
सदा रहो अनुकूल। सुनो बसुंडी के बचन शुभ देखी राम पद ने, बोलो प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह से आवर राम जय जय राम। जिनका नाम जन्म मरण रोग और अशुद्ध तीनों भयंकर पीड़ाओं को हरने वाला वे कृपालु राम उस पर और आप पर सदा प्रसन्न रहे। बसुंडे जी के मंगल में वचन सुनकर राम जी के चरणों में उनका दृश्य प्रेम देखकर संदेह से बलि भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित बोले, क्या बोले, मैं कृत कृत भयो तब बानी, सुन रघुवीर भगत रस सहानी, राम चरण नो तन रति भी माया जनित विपत सब गे, मो जलद बोहित तुम भय मोके नाथ विवद सुख दे। मैं कृत कृत भयो तब बानी, रघुवर की भक्ति सुनी आपकी वाणी सुनकर मैं कृत कृत हो गया ऐसा गरुड़ जी ने बोला। सुनी रघुवीर भगत रस साणी, राम चरण नो तन रति भई माया जनित विपत्ति सब गई, मेरी नवीन प्रीति हो गई, माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। गरुड़ जी कहते, मो जलधि बोहते तुम भय मो के नाथ विवद सुख दये, मो रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए हैं खाकर सुंडी जी, हे नाथ मो पई हो न प्रति उपकारा, बंध्यो तब बद बारी बारा, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए मुझसे उसका प्रत्युपकार नहीं हो सकता, मैं तो आपके चरणों को बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरे निकाम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़े भागे, संत बेटा सरितागिरि धरणी, पर हित है तू सबन कै करनी, आप पूर्ण काम है और श्री राम के प्रेमी हैं, हे तात आप किस मान कोई बलवागी नहीं, संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सब की क्रिया प्राय हित के लिए ही होती है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी पर कहे न जाना, निज पर ताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवे ही संत सुपनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है ऐसे कबू ने कहा है, परंतु उन्होंने कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो आपने तो ताप से मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जरम सुफल मम भेऊ, तब प्रसाद संसे सब गेऊ, जाने उ सदा मोहे निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहे विंगबर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया आपकी कृपा से, सब संदेह चला गया, मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा, हे उमा पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण से रुनाई करी प्रेम सहित मत धीर, रामा प्रेम सहित मित धीर, गयो गरुड़ बैकुंठ तब हृदय राख रघुवीर से आवर राम जय जय राम। गिर जा संत समागम सम ना लाभ ना कछुआन, बिनु हरि कृपा ना होए सो गावी वेद प्राण। उनके चरणों में प्रेम से सिर नवाकर हृदय में रघुवीर को धारण किए गरुड़ जी बैकुंठ को चले गए। हे गिरजे संत समागम का समान दूसरा कोई लाभ नहीं, पर संत समागम श्री कृपा हरि कृपा के बिना नहीं हो सकता, और ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहूं परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटी भव पासा, प्रणत कल्पतरु करुण ही पुंजा, उपजय प्रीति राम पद कंजा। मैंने ये परम पवित्र इतिहास कहा, इसे कानों से सुनते ही भवपास छूट जाते हैं और शरणागत लोगों का वृक्ष था दया के समूह श्री राम जी चरण कमलों में प्रेरण उत्पन्न होता है। मन क्रम वचन जन त्यग जाई, सुने ते कथा कवन श्रवण लाई, तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं उनके मन वचन और कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं, तीर्थ यात्रा आदि वो से साधन है, योग वियोग ज्ञान में निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दप जप मखनाना, भूत ध्यादि जिगोर शिवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेक प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम दाम तप जप, प्राणियों पर दिया ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई, जैन लगी साधन वेद बखानी, तब कर फल हरि भक्त भवानी।
सो रघुनाथ भक्त सुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं भवानी, उन सब का फल श्री हरि भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई गई है रघुनाथ जी भक्ति राम जी की कृपा से किसी के लिए नहीं पाई है। मुनि दुर्लभ हरि भक्त नरे पावे विनी प्रयास, जी ये कथा निरंतर सुनी मानी विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्त को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मोहि मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जहा करे मन राता। जिसका मन श्री राम के चरणों में रुक्त है वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम से आना, श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रण धीरा, जो छल छाड़ भजे रघुवीरा। जो छल छोड़कर रघुवीर भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही धर्म बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को बलिभांति जाना, वही कवि वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जय सुर सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन सो भूपनीत जो करी, धन सो दिज निज धर्म नटरी। वे देश धन्य जो गंगा जी है, वे स्त्री धन्य जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वे राजा धन्य जो न्याय करता है, वे ब्राह्मण धन्य जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, धन्य गरी सोई जव सत संगा, ज धन्य जनम दिज भक्ति अभंगा। वह धन्य है जिसकी पहली गति होती है बुद्धि, वही बुद्धि धन्य है, और प्रम्पिक है जो पुण्य में लगी हुई है, वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, वही जन्म धन्य है जिसमें ब्रह्मांड खंड भक्ति हो। धन्य की तीन गतियां हैं, धन भोग और नाश, दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष ना देता है ना भोगता है उसके धन की तीसरी गति होती है। सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जही नर उपजे वनीत। हे उमा सुनो, वे कुल धन्य है संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति रूप कथा में भाषी जद्पि प्रथम गुपत करी राखी, तब मन प्रीत देख अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था, जब तुम्हारे मन में प्रेम अधिकता देखी तब रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कहीं सठी हठ सील ही, जो मन लाई न सुने हरि लीली, कहीं अन लोभी क्रोध कामी, जो न भजे सचराचर स्वामी। यह कथा उससे न कहनी चाहिए जो शठ हो, हटी हो स्वभाव का, हरिलीला को मन लगा कर ना सुनता हो। उसके सामने कभी राम की कथा नहीं कहनी चाहिए जिसका राम के चरणों में प्रेम ना हो, लोभी हो, क्रोधी हो, कामी हो, दूसराचर के स्वामी राम को नहीं भजता हो। यह कथा उसको कभी नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं। दिज द्रोही न सुनाई कभू, सुरपति सरिस होए नृप तभू, राम कथा के ले ते अधिकारी, जिनके सतसंगत अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही यदि वे देवराज के समान ऐश्वर्य राज भी हो, तो भी ये कथा कभी भी उस इंसान को नहीं सुनानी चाहिए जो ब्राह्मणों से द्वेष रखता है। श्री राम की कथा के अधिकारी वही हैं जिनको सत्संग अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीत नीत रत जेई, दिज सेवक अधिकारी तेई, ताके यह विशेष सकुदाई, जाहि प्राण प्रिय रघुराई। जिनकी गरुड़ के प्रजानों में प्रीति है, वे निधि प्राण हैं, ब्राह्मणों के सेवक हैं, इसके अधिकारी हैं, उसको तो यह कथा बहुत सुख देने वाली है, इसको रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे हैं। राम चरण रति जो चह अथ वह पद निर्वाण, भाव सहित सो ये कथा करो श्रवण पुटे पान। राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कानों से सुने। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समन मनोमल हरणी, संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावे श्रुति सूरी।
हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों को नाश करने के लिए और मणि के मल को दूर करने के लिए राम कथा का वर्णन किया। ये राम कथा जन्म मरण रूपी रोग को लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। एह मैं रुचिर सपत सोपाना, रघुपति भगत केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊं देही मार्ग सोई। इसमें सात सुंदर सीढ़ियां हैं जो रघुनाथ जी के भक्तों की प्राप्त करने के मार्ग हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, भगवान शिव के जो सात खंड हैं वो सात सीढ़ियों के समान हैं, जिस पर श्री हरि अत्यंत कृपा होती है वह इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्ध नर पावा, जो ये कथा कपट तजी भावा, कहीं सुने अनुमोदन करही, ते वो बदेव भवनि देतर ही। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मनोकामना सिद्धि पाते हैं। जो इसे कहते सुनते प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गो के खुर से बने हुए गड्ढे के भांति पार कर जाते हैं। सुने सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोले गिरा सोहाई, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजयो नवनेहा। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं सब कथा सुनकर श्री पार्वती के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वह सुंदर वाणी बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत कृत भायों अब तब प्रसाद विशवेश रामा, तब प्रसाद विशवेश उपजी राम भक्ति दृढ़, बीते सकल कलेश से आवर, राम जय जय राम। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु उमा संवाद, सुख संपादन सामन विषाद, भव भंजन गंजन संदेह, जन रंजन सहजन प्रिय। शंभु उमा का कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला, शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, एही सम प्रिय तिनके कछु नाही, रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं ये पावन चरित सुहावा। जगत में जो राम उपासक है उनको तो राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री राम जी की कृपा से मैंने यह सुंदर पवित्र करने वाला चित्र अपनी भक्ति के अनुसार गाया है। एक अधिकाल न साधन दूजा, जोग जप जप तप व्रत पूजा, राम सुमे गाई राम ही, संतत सुने राम गुण ग्रामे। तुलसीदास जी कहते हैं इस कलिकाल में योग जप तप जप व्रत पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं, बस राम ही स्मरण करना, राम ही का गुण गाना और निरंतर राम के गुण सुनो, कोई सुनना चाहिए। जासु उपदित पावन बड़बाना, गावे कवे श्रुति संत प्राणा, ताई बजे मन तजे कटुलाई, राम बजे गति के ही नहीं पाई। पतित पवित्र करना जिनका महान बाना है, ऐसी कवि वेद संत पुराण गाते हैं। रे माने कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किसने कर्म गति नहीं पाई। पाई ना कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गनिका आजा मेरे ब्याद गे, धग जा देख ले तारे गना, आभीर जमन की रात खसे स्वे, बचा दी अति अघ रूप जे, कही राम बारक ते पावन हो, राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले राम को भज, जिसकी परम गति नहीं पाई। गणिका अजामिल व्याध गिद्ध गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार तार दिया, अभीर यवन गिरात खस पश्प चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो गए, उन राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुने जय, गावही कलिमल मनोमल धोई, बिनु श्रम राम धाम सिधावई, सत पंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे
धारुण्य अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण राम जी के चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मन को धोकर बिना ईश्वरीशम राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। और जो मनुष्य पांच चार सिपाहियों को भी मनोहर जानकर हृदय में धारण कर लेता है, उसके पांच प्रकार की विद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हर लेते हैं, अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है। जो पांच सात सिपाहियों को भी समझ कर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं ना, वो भी तर जाते हैं क्लेश जी, उनके भी राम जी क्लेश हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधाने अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम काम हित निर्वाण प्रदेशम आने को, जाकी कृपा लवले सिते मति मंद तुलसी दास हूँ, पाओ परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूँ। सुंदर सुजान कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक राम जी ही हैं। इनके समान निष्काम हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा है ही कौन, जिनका लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जी परम शांति प्राप्त कर ली। उन राम जी को समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मोह पर मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मनि हरो विषम भव भीर। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं, ऐसा विचार कर हे रघुवंशवाणी मेरे जन्म मरण के भयानक दुख को हरण कीजिए। काम ही नारी प्यार जिमी, लोभ ही प्रिय जिमे दाम, थीमी रघुनाथ निरंतरम प्रिय लागो मोहे राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है ना, और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही रघुनाथ जी हे राम जी आप निरंतर मुझे प्रिय लगी, ऐसी कृपा कीजिए। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। यति पूर्वे प्रभु ना कृतम सुख विनाशिरी शंभुना दुर्गमम श्रीमद्रामम पदां भक्ति मनीषम प्राप्ते तु रामायणम मत्वा तद्रघुनाथ नामी चरितम मत्वा तद्रघुनाथ नाम नरितम स्वांतस्तम शांतये भाषा भद्रमिदम चकार तुलसीदास धामान समम पुण्यम पापहरम सदा शिव शंकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापहम सुविमलम प्रेमम्बुरपुरम शुभम श्रीमद्राम चरितमान समिदम भक्त्यावगान्तये ते संसार पतंग घोर किन्द्रहितं नो मानवं मासा प्रायन्ति स्राविश्राम नामा प्रायन नामा विश्राम इति श्रीराम त्रित्माणसकलविंस्ने सोपान समापतम्। श्रेष्ठ भगवान शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को रघुनाथ जी नाम से निरण मानकर अपने अनंत कर्ण को अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषावाद किया। यह श्री रामचरित मानस के पापों को हरने वाला सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला माया मोह मल नाश करने वाला परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं तो संसार रूपी सूर्य को अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाले श्री राम चरित मानस का यह सप्तमा सोपान समाप्तम उत्तर कांड समाप्तम। बोलो
गोस्वामी तुलसीदास की जय। आरती श्री रामायण जी की, करित कलित ललित सिया पी की, गावत ब्रह्म महादेव मुनि नारद, वाल्मीक वे ज्ञान वे सारद, सुख सन काद से शेरु सारद, बरणी पवन सुत कीर्तनी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टे दस छयो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, मुनि जने धन संतन को सरे वस, सारे अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत संभव वाणी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर जब कानी, काकब सुंड गरुड़ के ही की, कलिमल हरिण विशेर से पी की, सुभग सिंगार मुक्ति चुभती की, दलन रोग भव मुरियमई की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। पड़ोसियापति रामचंद्र महाराज की जय। पंस्त हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। तो आज की रामचरितमानस की संपूर्ण कथा, जिसका कि आज आखिरी चरण था, मेरे राम की कृपा से संपूर्ण हुई निर्विघ्न। थोड़ी बहुत दिक्कतें आई जिंदगी में, उलझने आई, लेकिन उसके बाद भी पूरी हुई। मेरे राम की बड़ी कृपा हुई है इसमें। मेरे राम इसे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे कि हम बार बार आपके लिए अच्छी कथाएँ लेकर आते रहें। बने रहिए हमारे साथ और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आगे हम आपके लिए श्रीमद् भागवत पुराण लेकर आए या नहीं आए, या आप कौन सा पुराण सुनना चाहते हैं, हमें ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम कोशिश करेंगे कि उसको और अच्छे से सुना सकें। देखिए, हम कोई ज्ञानी बाबा नहीं है, लेकिन एक छोटे से प्रयास करते रहते हैं। तो राम जी आप पर कृपा करें। भक्ति सागर सोनी का फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल मोटिवेशन सोनी का ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।